गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना आज का टॉपिक है प्रश्नावली, बीए सेकंड ईयर। प्रश्नों की एक सूची जो प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए डाक द्वारा भेजी जाती है प्रश्नावली कहलाती है। क्या? प्रश्नों की एक सूची जो प्राथमिक तथ्यों के संकलन को संकलित करने के लिए डाक द्वारा भेजी जाती है प्रश्नावली कहलाती है। जो प्रश्नावली होती है वो अनुसूची की भांति ही प्रश्नों की क्या होती है, क्रमबद्ध सूची होती है, जो अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए क्या प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही अवलोकन और साक्षात्कार में आने वाली कठिनाइयों को हल करने का क्या है, आधार है। लेकिन इन दोनों में जो भिन्नता है वो ये है कि अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं के पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली को क्या है, डाक द्वारा भेजा जाता है, जबकि अनुसूची में क्या है, उत्तरदाता से मिलकर अध्ययनकर्ता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है। तो इस प्रकार अनुसूची व प्रश्नावली दोनों ही समान सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्नों कहने का तात्पर्य है कि प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है जो प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए क्या है, दूसरे स्थान पर डाक द्वारा भेजी जाती है और उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर भरकर वापस भेजता है, वो प्रश्नावली कहलाती है। प्रश्नावली के लक्षण या कह सकते हो इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। पहली है, प्रश्नावली जो है वो प्रश्नों की क्या होती है, एक व्यवस्थित सूची होती है। क्रमबद्ध रूप से प्रश्न इसमें दिए होते हैं जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या है, अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। सेकंड जो लक्षण है कि इसे डाक द्वारा भेजा जाता है। प्रश्नावली को क्या है, दूसरे स्थान पर जो है प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। तीसरा है कि ये शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसमें जो उत्तरदाता होता है स्वयं उत्तर भरकर भेजता है, तो इसमें अशिक्षित व्यक्ति जो है प्रश्नावली का प्रयोग नहीं कर सकता है, शिक्षित व्यक्ति ही उन उत्तरों को भरकर भेज सकता है। फोर्थ है, विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि ये डाक द्वारा भेजी जाती है, तो कहीं भी अगर किसी से भी आपको सूचना कलेक्ट करनी है तो आप किसी भी क्षेत्र में डाक द्वारा इसको भेज सकते हो। नेक्स्ट है, उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। भाई अध्ययनकर्ता डाक द्वारा भेजेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अध्ययनकर्ता तो जो है प्रेजेंट रहेगा नहीं, और जो उत्तरदाता से जिन प्रश्नों के उत्तर मांगे जाते हैं वो स्वयं ही भरकर भेजता है उनको। अनुसूची में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि अध्ययनकर्ता होता है वो स्वयं प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करता जाता है और उनको उन आंसर्स को उसमें भरता जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली की रचना, इसकी प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार, उत्तरदाताओं की विशेषताओं के आधार पर और प्रश्नावली के क्या है, कई प्रकार होते हैं। वैसे अलग अलग थिंकर्स ने भी अपने हिसाब से जो है इसके प्रकार बताए हैं। जैसे लूनबर्ग ने तथ्य संबंधी, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली बताई है। एक अन्य विद्वान हुए पीवी यंग, उन्होंने संरचित और असंरचित प्रश्नावली दो प्रकार बताए हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से जो है विस्तारपूर्वक इन प्रकारों की चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट प्रकार है वो है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व कर ली जाती है और बाद में उसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसी जो प्रश्नावलियाँ होती हैं इनका प्रयोग बहुत विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है तथा प्राथमिक सूचनाओं के एकत्रीकरण अथवा संकलित सूचनाओं की पुनः परीक्षा के लिए क्या है, इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो ये संरचित प्रश्नावलियाँ होती हैं उनमें जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वो क्या होते हैं कि बहुत ही निश्चित
क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं तथा प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से संरचित प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो पहले से ही निश्चित अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही इनकी रचना कर ली जाती है। सेकंड है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। संरचित में तो क्या अनुसंधान करने से पहले ही प्रश्न बना लिए जाते हैं क्रमबद्ध रूप से, लेकिन असंरचित प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के जो प्रश्न हैं पहले से उनका निर्माण नहीं किया जाता है। केवल उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार असंरचित जो प्रश्नावली होती है एक इंटरव्यू गाइड के समान होती है। असंरचित प्रश्नावली में कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होने के साथ उन लोगों की संख्या भी निर्धारित रहती है जिनसे साक्षात करना होता है, लेकिन इस प्रणाली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में अध्ययनकर्ता को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए एवं प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करने के लिए जो असंरचित प्रश्नावली है वो उपयोगी रहती है। नेक्स्ट जो है वो है बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाताओं को क्या है, उन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर को चुनकर अपने विचार को क्या करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो सीमित कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि भी आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं, तो इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, पहला बहुत ज़्यादा, दूसरा साधारण, तीसरा बिल्कुल नहीं। तो इनमें से आपको क्या है, आंसर देना होता है। तो एक तरह से क्या है, इसके जो उत्तर होते हैं वो प्रश्नों के बहुत ही लिमिटेड कर दिए जाते हैं, उन्हीं में से आपको एक टिक लगाना होता है या उत्तर छांटना होता है। एक और जैसे क्वेश्चन की भी क्या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो हाँ या नहीं में ही जवाब देना होता है। कहने का मतलब प्रश्नों के उत्तर बहुत लिमिटेड होते हैं। फोर्थ है खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए हुए होते, अपितु उत्तरदाता होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जो है उस प्रश्न का कोई भी उत्तर अपनी इच्छा से वो दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न में सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए जाते हैं जिसमें उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार उत्तर लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल भारतवर्ष में परिवार नियोजन न अपनाने के क्या कारण है, ये क्वेश्चन दे दिया, उसके आगे जो उत्तरदाता है उसको अपना आंसर देना होता है कि भी वो उस प्रश्न को समझ कर किस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन ये कि जैसे श्री राम जन्मभूमि विवाद को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, मान लो ये क्वेश्चन अभी तो खैर ये इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं रहा है, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता तो इसका भी किस तरीके से उत्तरदाता अपना आंसर देते, तो इसमें क्या है उत्तरदाता फ्री होता है अपना आंसर देने के लिए। फिर है फिफ्थ है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित समूह के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा क्या प्रकट किए जाते हैं, उत्तरदाता उन चित्रों को देखकर अपने उत्तर के चयन के लिए किसी चित्र पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली क्या रोचक और आकर्षक दिखाई पड़ती है। इसमें क्या है, जो अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है वो क्या इजीली और उसका आंसर दे सकता है चित्र को देखकर, इसलिए उसको क्या है ये मेनली जो है वो अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ही काम में ली जाती है। इस प्रश्नावली का प्रयोग मुख्य रूप से बालकों की मनोवृत्तियों को जानने अथवा गूंगे व निरक्षर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है कि भी ग्रामीण व नगरीय जीवन की तुलना के लिए दोनों के चित्र बनाकर उनसे पूछा जा सकता है कि आप किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। दोनों के चित्र बना दिए
और ग्रामीण और शहरी जो बैकग्राउंड दिखाकर और उनसे पूछ लिया जाता है कि भी आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, तो इसका आंसर वो इजीली दे सकते हैं। फिर है लास्ट है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है, प्राय इसमें बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। सामाजिक अनुसंधान में प्राय सभी प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः विषय के व्यापक और गहन अध्ययन के लिए क्या है, मिश्रित प्रश्नावली द्वारा सभी प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये प्रश्नावलियाँ जो होती हैं वो कम शिक्षित एवं अधिक शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्या क्या है उपयोगी होती हैं और इनके द्वारा उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी हमें क्या है सहायता मिलती है। तो ये आज अभी अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली इसके लक्षण, प्रश्नावली क्या है इसके लक्षण क्या हैं और प्रश्नावली के प्रकार, ये अपना जो है टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।